हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज फिर से आपका स्वागत है डेली स्कैन इनिशिएटिव में, जहां हम दो से तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो आज का 9 नवंबर का सबसे पहला टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये है लॉस एंड डैमेज फंड। अब देखिए होता क्या है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे इम्पैक्ट अपन फील कर रहे हैं, चाहे वो इंक्रीज इन हीट हो। सिंपल टेम्परेचर यदि देखा जाए तो टेम्परेचर ऑफ द ग्लोबल सरफेस हैज रिसन बाय मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस। कुछ एरिया में जैसे कि आर्कटिक हो गए, जैसे कि पर्टिकुलरली अंटार्कटिक साउथ एंड नॉर्थ पोल में या एक्सट्रीम्स ऑफ द एरिया में ये टेम्परेचर और ज़्यादा राइज किया है। तो वन सच इज टेम्परेचर का राइज। इसकी वजह से आप देखोगे जनरली ड्रॉट की जो कंडीशंस हैं वो बढ़ रही हैं, और यदि आप देखोगे सी लेवल जो है बढ़ रहा है। खासकर सी लेवल बढ़ने में एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि जब वाटर राइज करता है तो आसपास की लैंड होती है जो कोस्टल इरोजन बढ़ जाता है, कोस्टल इरोजन बढ़ता है तो जो सी एरिया की लैंड है वो कम होते जा रही है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, एरियाज हैं, जैसे कि वन सच पर्टिकुलर एरिया इज़ इन इंडिया, इट इज़ अ मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर ये लो लाइंग एरिया है, लो लाइंग एरिया की वजह से बहुत सारे चार होते हैं। चार मतलब होता है बंगाली में, इसका मतलब होता है आइलैंड। तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है ये आइलैंड इरोड होना स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कोस्टल एरिया अपन बात करें तो बहुत छोटी, अपन पैसिफिक की कोई कंट्री की बात कर रहे हैं या कोई ऐसे आइलैंड की बात कर रहे हैं जहां पर बस अपन फिल्मों में देखते हैं, ये हमारे आसपास की भी यही बात है। फॉर एग्जांपल मॉरिशियस वुड बी सर्टेन बहुत हद तक डूब जाएगा, और यदि आप मालदीव्स देखोगे, मालदीव्स क्लोज टू यदि 1 मीटर भी सी लेवल राइज होता है तो आप देखोगे मालदीव्स का मोर देन 50% पोर्शन विल गेट सबमर्ज। ऐसा नहीं है यदि अपन इंडिया में देखें तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की हाइट ऑन एन एवरेज 1 से 2 मीटर अबव सी लेवल है, इतनी ही हाइट है। तो यदि वाटर सब का हाइट बढ़ती है, सी लेवल बढ़ता है तो लक्षद्वीप विद ऑल्सो गेट सबमर्ज्ड। दैट इज वन मेजर इशू जो अपन इन जनरल एनकाउंटर करते आए हैं, ठीक है। अब यदि इसी चीज को अपन समझें तो क्लियरली एक बात तो तय है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। तो यदि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है तो अब हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में उससे कोप अप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो दो मेजर होता है, एक सबसे पहले होता है अडाप्टेशन और एक होता है लॉस एंड डैमेज। तो पर्टिकुलरली अपन आज लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात करेंगे और दोनों फैक्टर्स को थोड़ा सा समझते हैं। अडाप्टेशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल यदि अपन बात करते हैं तो समर आता है, तो समर आता है तो अपन क्या करते हैं, लाइटर क्लोथ्स पहन लेते हैं, वी स्टार्ट यूजिंग एसी, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, हाइड्रेट करते हैं अपने आप को, इस तरीके के चेंजेस करते हैं। तो ये क्या है, हम जानते हैं कि समर तो है ही है, इस वजह से हमको समर तो हाई हीट तो झेलनी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप ले लेंगे, प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स ले लेंगे जिसकी वजह से जो इंटेंस हीट है उसका इम्पैक्ट हमें कम से कम पड़े। बिल्कुल ऐसे ही अडाप्टेशन यहाँ पर भी सेम मतलब है, मतलब कि जैसे हम जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हम एक्टिवली स्टेप ले लेंगे कि उन स्टेप्स का हम पर मिनिमम से मिनिमम इम्पैक्ट हो। दैट इज फॉर एग्जाम्पल सी वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइक्लोन्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ डेज ऑफ साइक्लोन्स भी बढ़ रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, साइक्लोन से प्रेडिक्शन के लिए फोरकास्ट सिस्टम लगा दिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे को टाइम पे प्रेडिक्शन मिल जाएगी और कम से कम लाइफ का लॉस नहीं होगा। सिमिलरली ड्रॉट बढ़ रहा है तो यदि अपन ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगा दे तो भी
ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, दैट इज व्हाट। ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल यहां पर फ्लड बढ़ रहा है तो फ्लड के लिए क्या कर सकते हैं, फ्लड डोनेशन होता है जहां पर बिल्डिंग को अपन फ्लड जोन्स के हिसाब से बात करते हैं, इस तरीके के स्टेप्स को बोला जाता है अडॉप्टेशन। नेक्स्ट होता है लॉस एंड डैमेज। व्हाट डस लॉस एंड डैमेज मींस दैट कितना भी अडॉप्ट कर लो, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ने फोरकास्ट मेथड बना दिया फॉर साइक्लोन्स, अब कितना भी अच्छा साइक्लोन का फोरकास्ट मेथड बता दो, लेकिन क्या आप अपनी इमोबाइल प्रॉपर्टी को कहीं ले जा सकते हो? नहीं। यदि साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ा तो भले ही आप लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो ऑफ लाइफ, लेकिन क्या प्रॉपर्टी का लॉस खत्म होगा? ये तो डैमेज होगी ही होगी। तो प्रॉपर्टी का आप कुछ भी कर लो, यदि साइक्लोन होगा तो लॉस होगा ही होगा और प्रॉपर्टी को डैमेज होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसमें ग्लेशियर्स का जो अंदर के नीचे जो लेक रहता है वो फट जाता है, ऐसा ही जिसकी वजह से नीचे डाउनस्ट्रीम एरिया में बाढ़ आ जाती है, ऐसा रिसेंटली सिक्किम में हुआ है, लास्ट मंथ की न्यूज है। तो कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी प्रेडिक्शन लगा दो, क्या ये अवर्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो प्रॉपर्टी का लॉस होगा ही होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा ही होगा, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वॉट एवर वी डू, लॉस इज गोइंग टू बी इनएविटेबल, एंड दैट इज वाई इस सिचुएशन में अपन ने एक फंड बनाया है जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, इसी फंड को बोला गया है, जो सिंपल सी बात यदि अपन करें तो एक फंड बनाया गया है, ये फंड में कंट्रीज लोग कुछ पैसा देंगी, एंड मोस्ट वल्नरेबल जो कंट्रीज हैं या जो मोस्ट जिनको मोस्ट इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है, दे वुड बी रिसीविंग दिस फंड। सिंपल सी बात ऐसा है। अब अपन इसी टॉपिक में और ज्यादा समझते हैं, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट बढ़ेंगे तो एक बात सीधी बात यह होती है कि जो लॉस एंड डैमेज होगा बढ़ेगा, एंड देयरफॉर दिस फंड वॉज क्रिएटेड। दिस इज द बेसिक्स। यदि अपन जेनेसिस का बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दिस इज द एक्शन। 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी, इस अर्थ समिट में ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन के अंदर बना था। बेसिकली तीन मेजर आउटकम्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है सीबीडी कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाया गया था। दूसरा था यूएनएफसीसी और तीसरा था एजेंडा 21। दिस वॉज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मुद्दे की बात क्या है, ये जो यूएनएफसीसी है इसके अंदर अपन देखेंगे एक फंड सेटअप किया गया, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, इसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। 2013 में जब यूएनएफसीसी का 19th कॉन्फ्रेंस, जिसे सीओपी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ इन द वॉर्सो पैक्ट, सबसे पहली बार बात की गई कि एक एलएनडी फंड की एस्टैब्लिशमेंट की बात होनी चाहिए। फिर देयर वेंट ऑन सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस और फाइनली अभी का जो रीसेंट वन जो 2022 में हुआ, जो इजिप्ट में हुआ, वहां पर एक एलएनडी फंड एस्टैब्लिश किया गया और एक कमिटी बनाई गई, ट्रांजिशनल कमिटी, जो सबसे पहली बार देखेगी कि इस एलएनडी कमिटी के जो फंड हैं उसे कैसे स्पेंड किया जाएगा, कैसे यूटिलाइज किया जाएगा और कौन सी कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करेंगी। तो दिस इज द स्टोरी। अब व्हाई इज इट इन न्यूज, क्योंकि इस फंड में अब जैसे आपको पता होगा नवंबर एंड से 30th नवंबर से फिर से दुबई में सीओपी ऑफ यूएनएफसीसी हो रहा है 2023 का। Therefore, this topic is going to be in news in the coming months as well. यदि अपन देखेंगे L&D fund के बारे में, या for that matter मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई environmental negotiations होती हैं, तो दो contentious points बन जाते हैं। सबसे पहला एक stand लेता है developed countries, ठीक है, और दूसरा stand जो रहता है वो है developing या least developed countries, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस रहता। अब यदि आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे तो हिस्टोरिकली इन्हीं की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ये सबसे लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो जितना भी क्लाइमेट चेंज हुआ है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन क्या हुआ,
इसका फायदा किसको मिला? डेवलप्ड वर्ल्ड को मिला, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, लेकिन इम्पैक्ट कौन बेयर कर रहा है? इम्पैक्ट बेयर ज्यादा कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों इम्पैक्ट डेवलपिंग ज्यादा कंट्रीज कर रही हैं? क्योंकि ये पुअर है तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम क्वालिटी का है। साथ ही साथ यदि आप इसी में और चीज समझोगे, इनको अभी डेवलप भी करना है, तो इनको डेवलप करना है तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिसोर्सेस को यूज करके आगे डेवलप करें जैसा कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने किया, बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट रिस्ट्रेंट्स ये सब कर नहीं पा रहे हैं। दिस इज द मेजर इशू। तो यही दोनों पॉइंट पर ये दोनों कंट्रीज के बीच में बहस होते रहती है। सबसे पहला पॉइंट है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या बोलते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड क्या बोलती है कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कॉमन है लेकिन रोल सबका अलग अलग होना चाहिए। तो डेवलप्ड वर्ल्ड का क्या रोल होना चाहिए? ज्यादा रोल होना चाहिए बिकॉज दे हैव बीन द हिस्टोरिकल एमिटर्स, वेयरएज डेवलपिंग वर्ल्ड का रोल कम होना चाहिए। लेकिन इस बात में कंटेंशन है सीबीडीआर में। डेवलप्ड वर्ल्ड बोलता है कि भैया अब सबको इकट्ठा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सबको इक्वल एमिशन कट देना पड़ेगा। क्या अपन इस बात पे एग्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव नॉट बीन डेवलप्ड, वी हैव नॉट बीन, वी आर नॉट द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट या अर्थ। ठीक है, ऐसा ही क्लाइमेट रिपार्टेशन होता है, मतलब कि जो डैमेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल पहले पाकिस्तान में फ्लड आया, क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए? लेस देन 1% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी उसे ग्रेट डैमेज बेयर करना पड़ा। तो शुड डेवलप्ड वर्ल्ड पे फॉर द डैमेजेस दैट इज बीइंग कॉज्ड ड्यू टू देयर मिस्टेक्स टू द डेवलपिंग वर्ल्ड? ये एक मेजर मुद्दा उठता है। तो इसमें डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं मानते, डेवलपिंग वर्ल्ड बोलते हैं कि हमें मिलना चाहिए। तीसरा इशू है यदि फंड एस्टैब्लिश हो गया, फंड तो अपन ने देखा एलएनडी फंड एस्टैब्लिश हो गया, तो ये फंड का जो मनी है ये किसको दिया जाए? अब डेवलपिंग कंट्री जब आप बोलते हो तो ये भी एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक तरफ आता है चाइना, दूसरी तरफ आता है बहुत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक साउथ सूडान, अफ्रीका की सब सहारन कंट्रीज भी आती हैं। तो डेवलप्ड वर्ल्ड बोलता है भैया कंट्रीज ऐसे हो गई, चाइना हो गई, इंडिया हो गई, ये इतनी हाई जीडीपी रेट से ग्रोथ हो रही है, इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ चुकी है, तो हम इनको नहीं देंगे पैसा। चाइना इंडिया डिमांड करती हैं कि हमें अभी भी हमारी डेवलपमेंट नीड्स पूरी नहीं हुई है, हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, एंड वी हैव हिस्टोरिकली नॉट बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन। तो दीज आर द मेजर इशूज विद रिगार्ड टू एल एंड डी फंड। और यदि कभी भी कोई, अब जैसे आप नेक्स्ट देखोगे यूएनएफसीसी का समिट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, तो आप पेपर पढ़ोगे यही 3 आर्टिकल के आर्टिकल वुड रिवॉल्व अराउंड दीज 3 पॉइंट्स, यही पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट यदि अपन देखते हैं कि देर इज करेंटली नो इंडिकेशन ऑफ द फंड साइज, मतलब कि एलएनडी फंड एस्टैब्लिश हो गया है, कितना पैसा मिलेगा, कितना दिया जाएगा, किसको, ये टीएनसी कमेटी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ऑस्ट्रेलिया का और यूके का रिजोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं क्यों ये एक मेजर इशू है, दिस इज अ मेजर इशू फॉर क्लाइमेट, क्योंकि नंबर वन, आप अभी अपन ने बात करी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेवलप्ड कंट्रीज। तो यदि डेवलप्ड कंट्रीज आज की डेट में एलएनडी फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, तो ये अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रही हैं। देयरफॉर दिस इज अ प्रॉब्लम, नंबर वन। नंबर टू, यदि आप देखोगे तो क्लाइमेट नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, लगातार अपन नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, 2015 में हुआ था, जहां पर कंट्रीज ने अपने खुद नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, ठीक है, दिया। अब हुआ क्या, यदि डेवलप्ड कंट्रीज अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंड नहीं दे रही हैं, तो होगा क्या कि ये सब क्लाइमेट नेगोशिएशंस में लोग सीरियसली नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया डेवलप्ड कंट्रीज पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही हैं, ध्यान ही नहीं दे रही हैं। तो दिस इज मेजर इशू। और यदि अपन बात करें तो अभी अपन ने देखा जैसे क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको होता है, जो मोस्ट पुअर होते हैं, जो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं। तो यदि आप कोई अडाप्टेशन या एलएनडी रिस्पांस नहीं कर रहे हो, तो दे आर गोइंग टू बी द वंस हु आर गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पैक्टेड वंस। देयरफॉर इन जनरल यू आर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स। एक और पॉइंट इसी में इंपॉर्टेंट आता है,
वो है रिलेटेड टू माइग्रेशन, दैट टू फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन में यूएन का जो प्रोटोकॉल है उसमें अभी तक क्लाइमेट रिफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। मतलब कि रिफ्यूजीज वो होते हैं जो अपने देश से बाहर जाते हैं किसी डर के कारण कि उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, दे आर थ्रेटन्ड उस वजह से। लेकिन अभी भी यूएन प्रोटोकॉल में क्लाइमेट रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब कि यदि कोई क्लाइमेट इमरजेंसी की वजह से एक देश से दूसरे देश जा रहा है तो उसे रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिलता। नंबर वन, दिस इज अ मेजर इशू। एक और बात यदि अपन बात करेंगे तो डेवलपिंग नेशंस कंसर्न्स आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड। ठीक है, सम ऑब्वियसली बात है, इनको फंड की जरूरत है, इनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। क्या ये सब प्रोवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दिस आर वन ऑफ द मेजर इशू। अब सबसे बड़ी बात है कि अपन ने ऑलरेडी देख लिया, सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन आर द वंस हु आर गोइंग टू बी मोस्ट सीरियसली इम्पैक्टेड बाय फूड शॉर्टेजेस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। रेफ्यूजी वाला अपन ने देख लिया, पीपल डिस्प्लेसमेंट अभी, और यदि अपन देखें तो कन्फ्लिक्ट भी होती है, और फोर्स कम्युनिटीज टू कोप इंडिपेंडेंटली विद इन द वर्सनिंग सिचुएशन। मतलब कि यदि सरकार के पास फंड नहीं होगा, यदि सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या ऑप्शन होगा? खुद ही फाइट करना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सब सहारन कंट्रीज। यदि आप सब सहारन कंट्रीज देखोगे तो दिस इज द मैप ऑफ रफली अफ्रीका। ठीक है, दिस इज द सहारा रीजन एंड दिस इज द सब सहारन रीजन। यदि सब सहारन रीजन को आप देखोगे तो दिस इज एक्सट्रीमली ड्राई रीजन, यहाँ लगातार ड्रॉट की कंडीशन होती है। ठीक है, ऊपर सहारा है तो इसकी वजह से सैंड जो है जो स्प्रेड हो रही है, सैंड इज स्प्रेडिंग, इसकी वजह से सैंड की वजह से सॉइल की क्वालिटी डाउन हो रही है, तो आगे के लिए भी प्लांटेशन के लिए स्टेप्स मुश्किल हो रहे हैं। ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इस जगह में रहने में, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? ड्रॉट जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है इस एरिया में। जब ड्रॉट बढ़ेगा तो क्या होगा? और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। दिस इज वन मेजर इशू। अब यदि इस एरिया को फंड नहीं मिलेगा तो कम्युनिटीज क्या करेंगी? कुछ भी नहीं कर पाएंगी। क्या करेंगी? कुछ भी करेंगी स्ट्रगल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोजाम्बिक एक कंट्री है यहां पर। ठीक है, दिस इज मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में 2-3 साल से बारिश नहीं हुई है, तो लोग इतनी खराब हालत है कि वहां पे इंसेक्ट्स खा के जीवित है। सोच लो, इतनी खराब आदत है। यदि फूड एड नहीं मिलेगा, बच्चों को सीवियर स्टंटिंग वेस्टिंग हो रही है, कैसे जीवित रहेंगे इंसेक्ट्स खा के? दैट इज हाउ द पैथेटिक द कंडीशन इज। और यदि अपन बात करें, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, अदर इम्पैक्ट्स विच आर क्वाइट अंडरस्टूड वो तो अपन समझेंगे। जैसे लॉस ऑफ वाइटल इकोसिस्टम अपन ने देख चुका है क्या होता है कि इन्वायरमेंट डैमेज होता है। जैसे अपन ने कोस्टल इरोजन का या सी इरोजन की बात की थी, ठीक है, वही एग्जाम्पल है। अब तो वॉट लाइज द वे अहेड? वे अहेड ये है कि इट हैज टू बी द मिक्स अप्रोच, अडाप्टेशन एंड एलएनडी, दोनों का मिक्स अप्रोच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अपन अडाप्ट नहीं करेंगे तो लॉस होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यदि लॉस एंड डैमेज के लिए बेयर नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक होगी। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या जरूरत है? मिक्स ऑफ द अडाप्टेशन प्लस एलएनडी, लॉस एंड डैमेज अप्रोच हैज टू बी फॉलोड। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रिलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, बट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो वेरी शॉर्टली ऑन इन्वायरमेंट। उसमें मैं यूएनएफसीसी, सीबीडीडी और बाकी सब कोर्स स्टार्ट करूंगा, जब मैं इन्वायरमेंट को इन डेप्थ कवर करूंगा तो उसमें मैं ये सारे कवर करूंगा। राइट नाउ आई एम नॉट कवरिंग दिस। दिस पर्टिकुलर लेक्चर वॉज मेनली फॉर मेन्स आंसर राइटिंग। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।